नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो कैसे हो आप लोग वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई साहब कल वीडियो एक निकल के आ गई, मुंबई फिल्म से क्या गलती हो गई, इतनी जबरदस्त फैन वॉर, मतलब मैंने वीडियो डाली मेरे वीडियो में भाई इतने, मेरे को पता था ये होगा, ये सेग्रीगेशन ऑफ फैंस ये होगा ही होगा भाई साहब, मेरे को ये पहले से एक्सपेक्टेड था। और ये देख लेना मूवी आएगी उस पर रिजल्ट भी आपको देखा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले मैं आपको बता दूं दो पोल किए थे, डंकी वर्सेस सलार और राजकुमार ईरानी वर्सेस प्रशांत ने। डंकी को 5,500 वोट पड़े हैं, दूसरे में 2,500 वोट पड़े हैं। डंकी 95% और राजकुमार ईरानी 96% से जीत रहे हैं। अब हो सकता है यहाँ पे वोटिंग का मतलब हमने अपनी साइड कराए तो यहाँ पे ज्यादा वोट पड़ रहे हैं, साउथ में कराया होगा तो आई थिंक रिवर्स होगा। भाई फटाफट से कमेंट स्टार्ट करते हैं। आशीष ने पहले लिखा है कि भाई दिसंबर दिलवाले वर्सेस बाजीराव मस्ताना, रईस वर्सेस काबिल, तो उन्होंने थोड़ा सा ब्रेकअप दिया है कि शाहरुख खान की कंपटीशन में होता क्या है। जीरो वर्सेस केजीएफ मतलब यही हो गया भाई, डंकी वर्सेस सलार यार केजीएफ जीरो ठीक है, पिक्चर मूवी सही नहीं थी, और वो भी ना जीरो की आग बढ़ी है भाई लोगों में, मैंने देखा गुस्सा बढ़ा भी शाहरुख खान के फैंस है, खास करी केजीएफ को लेके जो प्रशांत नील की थी ये। तो सेकंड है आनंद गाइस, एक्चुअली मैं एक्सेल एंटरटेनमेंट जो फरहान अख्तर चला रहे हैं इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मौली फिल्म्स, वो भी एक्सेल हिंदी बेल्ट में किया था। नाउ द थिंग इज फरहान इज अगेंस्ट एसआरके, यार पता नहीं यार फरहान का क्या प्रॉब्लम है एसआरके के साथ, बट आई थिंक पैसा भाई बिजनेस, एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट बिजनेस मेरे भाई, इंडस्ट्री में कोई किसी का सगा नहीं है। शाहरुख खान ही है जो पहले मूवियां कर रहा था, फराह खान दोस्ती यारी में करण जौहर, भाई सब पैसा देखते हैं। आज वक्त है शाहरुख खान का तो आज वो डॉन 3 कर रहे हैं, मगर खैर उन्होंने एक्सेल एंटरटेनमेंट ने केजीएफ पहले भी रिलीज करी थी, पता नहीं यार क्या सिस्टम है, करना तो नहीं चाहिए वैसे उनको, बट अगर प्रोड्यूसर्स का ही डिसीजन आ रहा है तो उसमें फिर फरहान अख्तर भी क्या ही कर लेगा मेरे भाई, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर ही है, तो डिस्ट्रीब्यूट वो नहीं करेगा कोई और कर देगा। कमरान फैजल कह रहे हैं फिट हैपन्स डंकी विल क्रश सलार द वायरल कह रहे, भाई एक घटिया सा कमेंट मत किया करो रिलीजन के ऊपर सीधी, भाई ये जो ऐसे कमेंट करने हैं ना सीधी सी बात है भाई, हाथ जोड़ के चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, रिलीजन के ऊपर कोई बहस मत किया करो मेरे चैनल पे कमेंट पे भी। अगली बारी मैं सबको कह रहा हूँ यार मैं आपका क्लियरली रिमूव कर दूंगा आपको चैनल से, तथाकथित ग्रुप में जाओ वहां ये सब लिखो, पिक्चरों के ऊपर जो मर्जी बहस करते रहो वो कोई बात नहीं, वो यार हमारा चैनल ही उस टॉपिक का है, बट यार रिलीजन के ऊपर मत किया करो। और भाई दे वायरल ने करी, कमरान फैसल भाई ने भी वापस से उनको रिप्लाई किया था, मैं डाल नहीं रहा हूँ। कमरान फैसल भाई आप भी इनकी क्यों, कोई अगर करता है तो ऐसे आप एकदम एक्साइट हो गए आप भी शुरू हो गए, वो भी ठीक नहीं है यार, तो ये मत करना भाई साहब। तो कहते हैं टेल मी वन थिंग, डिसाइड कौन करता है, हिंदी वाले मत देखो बस नॉर्थ साइड पीपल ही, और जो नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट बंगाल से, भाई आप समझो मतलब हम स्टेट वाइज नहीं कर रहे हैं अभी लड़ाई वड़ाई कुछ, या हिंदी मतलब ऑडियंस होता है बॉलीवुड मूवीज को देखने वाले, आप चाहे किसी भी स्टेट में हो यार आपकी पूरी वो है यार, आप लोग अपने भाई हो सब, ऐसे मत सोचा करो कि क्या है भाई, मैं आई एम फ्रॉम नॉर्थ हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग हैं वेटिंग फॉर सलार। भाई देखो सलार में यश का है मानता हूँ मैं, यश का भी है, तो सलार अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है भाई साहब, मैं मना नहीं कर रहा कि सलार बड़ी मूवी नहीं है, पर ये डिसीजन गलत है, सिंपल सी बात है, आप राजकुमार ईरानी और शाहरुख खान के कॉम्बिनेशन को भी कम मत समझो। देखो भाई सीधी सी बात मैं आपको ये बताऊं, सलार साउथ की जितनी मूवीज है ना वो इतनी बड़ी हिट जो गई है ना 12-12, 14-14, 15-15, 18-18 करोड़, उसमें हिंदी जो नॉर्थ की ऑडियंस है, नॉर्थ बोलूं अब या हिंदी स्पीकिंग वॉचिंग ऑडियंस बोलूं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, अपनी मूवीज वहां चलती ही नहीं है। बट एनीवेज मैं ये चीज को प्रमोट ही नहीं करता कि यार मत देखो उनका ये, बट हाँ कहीं ना कहीं तो यार अपना भी दिल धड़केगा, ऐसी बात नहीं है भाई साहब, आप पिक्चर रिलीज अनाउंस भी पड़ी है, डेट आप ला रहे हो बीच में। हेटर्स प्लस साउथ वाले चाहते नहीं कि एसआरके 1,000 करोड़ दे, भाई क्या कर लेंगे हेटर्स, तो हाँ वो देखा था मैंने 18 करोड़ को, वो बड़ा खुश लग रहा था, अरे पोस्टपोन होगी, अरे भाई अगर पोस्टपोन होगी ना तो वो पहले से ही डिसाइडेड होगा, रेड चिली से बात हो गई होगी होम वाले पिक्चर्स की, वो आपके कहने से नहीं हो रही कि डर के भागेगा। डंकी, एसआरके, राजकुमार ईरानी, दिग्गज बॉलीवुड के नंबर वन, 18 करोड़ को तो बस चुस्कियां चाहिए। सलाम इज द फादर साउथ इज द सलार इज द फादर ऑफ डंकी, ठीक है भाई मानता हूं मैं, कम पिक्चर नहीं है वो, नॉर्थ में नहीं टिक पाएगी देख लेना, हालांकि एज अ ऑडियंस मैं बोलूं लोगों को ऑप्शंस तो दोनों मिल जाएंगे, मजा एज अ व्यूअर मजा आएगा, बट एक ना वो अंदर से ना आक्रोश आ जाएगा, सही बता रहा हूँ मैं, गलती से अगर सलार निकली ना फ्लॉप बेट बहुत बजाएगी फिर बजनता, ये बता दूं मैं, इनकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी, ये केजीएफ और जीरो वाला जो इनका चल रहा है ना वो अभी होगा नहीं। बायकॉट साउथ मूवीज, बाय नॉर्थ ऑडियंस अगर साउथ मूवीज को देखते हो, साउथ मूवीज कुछ नहीं भाई, बायकॉट तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ मैं इस जो डिसीजन है मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा यार ऑनेस्टली, क्योंकि आप देख तो लो किसके आगे टकरा रहे हो यार, भाई फैन फॉलोइंग है बंदे की ऐसी बात नहीं है भाई, ये होना चाहिए, साउथ डायरेक्टर्स बहुत उछल रहे हैं, देखा आगे ना सारी बातें, हो साउथ डायरेक्टर्स बहुत उछल रहे हैं, सलार मूवी हिंदी करोड़ नहीं कर, 1,000 करोड़ नहीं कर सकता विदाउट हिंदी, 100% करेक्ट भाई, नहीं कर सकता, मैं भी मानता हूँ ये बात, कसम से डंकी डायनासोर को डंकी बना देंगे, डंकी यार वो डंकी डायनासोर का बाप है, डंकी
डायनासोर डायनासोर इनकी मांस वास सब निकाल, अरे डायरेक्ट कुत्ता बना देंगे भाई, चूहा बना देंगे यार, क्या क्या कमेंट कर रहे हो भाई साहब, खतरनाक। एक्वामैन वर्सेस डंकी वर्सेस सलार, वहाँ भाई ये भी एक है, ओवरसीज में थोड़ा टफ फाइट आएगी। और क्या इंटरेस्टिंग आया है, साउथ बॉलीवुड सपोर्ट साउथ फिल्म, बट साउथ फिल्म इंडस्ट्री डोंट सपोर्ट बॉलीवुड, कंप्लीटली एग्री, मेरे हिसाब से साउथ फिल्म इंडस्ट्री नहीं कर रही है। और मुझे एक व्यूअर का भी कमेंट आया था, उसने बोला था भाई देखो मैं वहां पे होकर आया हूँ, ये लोग सच में सपोर्ट नहीं करते, मुझे नहीं लगता यार अच्छा कंटेंट है, हर जगह सपोर्ट करो यार, क्यों इन सब चीजों में पढ़ रहे हो, टाइम फॉर डायनासोर टू गेट एक्सटिंक्ट वंस अगेन। सही है भाई, तो एक बंदे ने नीचे डू नॉट अप्रिशिएट यूज एंड प्रमोशन ऑफ रिलीजियस कंटेंट, लेट्स कीप मूवीज। ओ भाई मैं कहां रिलीजियस उसको प्रमोट कर रहा हूं, मैं तो खुद मना कर रहा हूं यार, ये क्या फालतू मूवीज के लिए भी यूजिंग सच सेंटीमेंट्स। मेरे भाई तुम कौन से वीडियो देख के कमेंट कर रहे हो मुझे नहीं पता, मैं तो खुद बोलता हूँ ये सब चीजों में मत पड़ा करो। डंकी मार 2024 में रिलीज होगी भाई, होनी चाहिए, अगर इनका कंसल्टेशन हो गया है तो आई थिंक होनी चाहिए। बट गाइज एनीवेज यार ये बहुत ज्यादा ना, देखो सलार का ना बिगेस्ट एज आ रहा है, इसका जो यश का जो और उसके साथ जो इनका कॉम्बिनेशन है ना, ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट दे रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड राजकुमार हिरानी की जो फैन फॉलोइंग है ना, वो शाहरुख खान की जितनी है, मैं बता रहा हूँ ये बिगेस्ट कॉम्बो है, बिगेस्ट कॉम्बो। आई एम नॉट श्योर सलार के मेकर्स ने क्या सोच के डिसीजन लिया है, होपफुली डंकी पोस्टपोन होनी होगी इसीलिए सलार आ रही है। फैन वॉर मत करो यार, हाँ ठीक है मतलब कर भी लो यार, होता है यार, मतलब सबके अपने फैंस होते हैं, मूवीज की लाइकिंग होती है, उसमें कुछ नहीं, इसको रोक नहीं सकते एक्चुअली, मैं जितने मर्जी कह लूँ जितना मर्जी ज्ञानबाजी हो जाए ना, इस चीज को आप रोक नहीं सकते, ये चलेगी चलेगी, गलती सलार की है। एनीवेज बने रहो मेरे चैनल में, साइनिंग ऑफ, बहुत सारी अपडेट्स, टाइगर 3 जवान एनिमल बहुत कुछ आ रहा है, बने रहो, साइनिंग ऑफ।